हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रहमत इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 45 डिग्री साइड ऑफसेट के बारे में। इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका मेजरमेंट क्या है, कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं, कितना कितना सेंटी गैप देकर के इसका मार्किंग करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है, फुल डिटेल में मैं इसको आपको बताऊँगा और इसको कटिंग भी करके दिखाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिर तक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए इसका हम मार्किंग मेजरमेंट जानते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम आपको 45 डिग्री का साइड ऑफसेट का मार्किंग बताते हैं। तो ये देखिए हमारा पहले ट्रंकी, ये देखिए 10 सेंटी यानी कि 100 mm, ये 100 mm का हमारा ट्रंकी है, ये देख सकते हैं। इस साइड से भी देखिएगा तो 100 mm आएगा। ट्रंकी का जो साइड रहता है चारों तरफ से अगर मेजरमेंट करिएगा तो सेम सेम आएगा चारों तरफ से। 50 करेगा तो 50, 100 करेगा तो 100। तो चलिए इसका हम मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए हम पहले यहाँ से 25 सेंटी पे मार्किंग करेंगे। 25 सेंटी हम इधर से छोड़ के बनाएंगे साइड ऑफसेट पर। 25 सेंटी ये हमारा हो गया। यहाँ से एक लाइन हमको दे देना है यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद ये हमारा 100 का ट्रे ट्रंकी है तो ये 4 सेंटी मार्किंग होगा, ठीक है। 4 सेंटी इधर ले लेना, 4 सेंटी इधर ले लेना साइड ऑफसेट के लिए। तो 4 सेंटी पे ये हमारा मार्किंग हो गया, 4 पे रखा है हमने। फिर ये 4 सेंटी इधर, सेम सेम आपको ये लकीर ये यहाँ तक लेके आना है। ये भी आ गया। अब ये तीनों लकीर इस तरफ लेके आना आपको, ठीक है। ये टंकी का सेंटर हो गया हमारा, ये यहाँ आ गया। ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसमें हमको एक ठो भी कट मारना है, इसमें भी कटिंग करना है हमको। तो भी कटिंग हम करेंगे, एक भी कटिंग का एक मार्किंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए ये भी कटिंग का मार्किंग हो गया और ये हमारा कपलर बनेगा। तो एक कॉलर काटना पड़ेगा, ये देखिए हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। ये जो देख रहे हैं यहाँ से कट के ये वाला काट के निकाल देना है और ये कॉलर निकल जाएगा, ये कॉलर निकल जाएगा, बचेगा ये कपलर इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम मार्किंग करते हैं। तो इसके आगे मार्किंग करने के लिए हमको देखना है कितना सेंटी का हमको साइड का ऑफसेट बनाना है। तो हमको बनाना है 15 सेंटी का। तो 15 को डिवाइड करेंगे 15 × 141। हमारा आंसर आएगा 21 सेंटी 1.5 mm जो हमारा आएगा आंसर। ये सेंटर से, ये जो देख रहे हैं ये सेंटर है हमारा, ठीक है। यहाँ से हमने 25 सेंटी लिया था, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे। ये हो गया, यहाँ पे एक आपको लकीर खींच देना है। और फिर यहाँ से आपको 4 सेंटी इधर 4 सेंटी इधर लेना है, जैसे हमने इधर किया था 4 सेंटी। आपको इधर और 4 सेंटी इधर छोड़ देना, ठीक है। फिर हम ये वाला लकीर ये कोने तक, ये लकीर ये कोने तक, ये आ गया। अब हमको उधर मार्किंग करना है, ये जो मार्किंग हमने किया है अब ये इधर लेकर के आना है, ठीक है। ये वाला इधर आया था, अब ये वाला इधर जाएगा। तो इसको इस तरफ लेकर के आ जाइए। अब ये तीनों मार्किंग इधर आ जाएगा हमारा। ये एक आ गया है, ये देखिए ये इधर मार्किंग हो गया। अब हमको इधर से एक भी कट मारना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस साइड से हमने एक बनाया था, एक इस साइड से आपको भी मार देना है। एक ये भी मार दिए, ये वाला कट के यहाँ तक बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमको इसमें कपलर बनाना है जैसे हमने उधर बनाया था। ये हमारा हो गया कपलर का मार्किंग इधर। अब इधर भी कर लेते हैं, इधर भी करना है आपको। ये देखिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बन जाएगा कपलर और यहाँ से यहाँ कट के निकल जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ अभी और बचा हुआ है, ये सेंटर से हमको यहाँ पे एक मार्किंग करना है और ये सेंटर से इधर एक मार्किंग करना है और उसमें भी कटिंग हम निकालेंगे। तो ये वाला हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं पहले।
इसका सेंटर पहले हम मिला लेंगे। ये सेंटर हमारा आ गया यहाँ पे। एक व्यू कट आपको यहाँ पे लगाना है, ये देखिए इस सेंटर से ये भी कट एक इधर मारना है आपको, फिर ये सेंटर से यहाँ मिलाना है। ये सेंटर हो गया हमारा, एक भी कटिंग आपको यहाँ करना है। ये अगर काटेंगे नहीं तो ये ट्रंकी हमारा बैंड नहीं होगा। ट्रे में भी आपको काटना पड़ता है, इसलिए मैंने बताया है। तो ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही 45 डिग्री साइड ऑफसेट का मार्किंग होता है, तो इसको हम काट करके आपको पूरा बैंड बना करके नेट वाशर डाल करके पूरा दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिर तक, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए इसका आगे का हम प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड ये हमारा कटिंग हो चुका है। ये देखिए हमारा भी जो मार्किंग किए थे ये भी काट दिया है, और ये कॉलर का मार्किंग किया था ये कॉलर भी कट गया, ये पूरा भी हमारा निकल गया है। ये देख सकते हैं सेम सेम इधर भी हमारा पूरा कटिंग हो गया। अब इस तरफ से देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से आपको कटिंग करना है। अब हम इसको पूरा बैंड करके दिखाएंगे, इसको मोड़ेंगे कैसे कैसे मोड़ते हैं वो भी आप देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कैसे हम 45 डिग्री का ऑफसेट बनाते हैं। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। चलिए इसका आगे का इसको फोल्ड करके दिखाते हैं पूरा वीडियो में।